गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन क्लास 11th. एज यू ऑल आर अवेयर दैट फ्रॉम टुडे वी स्टार्ट आवर सिलेबस अगेन फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर एंड चैप्टर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ आर द सिलेबस ऑफ योर पीटी फर्स्ट. ओके, सो टुडे वी स्टार्ट अवर फर्स्ट चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई एंड हाउ एंड द फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, सो यू आर लिटिल बिट एंड आई से दैट यू आर अवेयर व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज इन प्रीवियस क्लासेस वी डिस्कस most of thing about constitution. In 9th class you read full chapter constituent assembly, and in which we discuss what is constitution, what is the importance of constitution, and what is the soul of Indian constitution, why we need a constitution, and how the Indian constitution is made. Okay, so in this chapter first, again we discuss constitution. What is constitution? A constitution is a document that contains the rules and regulation by which a country is governed. You all aware that a constitution is a written document in which all the norms and laws are written, through which a country is governed. It is also called the soul of democracy. Constitution is called a soul of democracy because democracy means rule of law, democracy means share of powers. Democracy means fundamental rights. Democracy means power sharing in a horizontally and the vertically. It means everything is according to law. So if a country is democratic, then it is compulsory to follow the constitution. And those countries are success to maintain their democracy, those constitution are made very effectively. ठीक है, it is next है, it is a set of rules so countries can adopt it to run their own countries according to them. So conditions and environment and the resources are differ countries. That's according to their country's requirement, every country prepared their constitution. ठीक है, जैसे कि हमने 9th क्लास में अंदर पढ़ा था साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन एंड द, तो बेटा जहाँ पर जो सिटीजन्स ज़्यादा जिनको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसको वो प्रायोरिटी बेस पर अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रखते हैं. ठीक है, सो इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन को और अपने कंडीशन, अपने कंट्री के अकॉर्डिंग जो हमें ज़्यादा फेवरेबल थी, हमने दुनिया वर्ल्ड के सबसे अच्छे अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन में से उन चीज़ों को अडॉप्ट किया. ठीक है, जैसे इंडिया के अंदर हम लोगों को क्या था, बहुत सारी सोशल इवेल्स थी, है ना, और जमींदारी प्रथा थी जिसकी वजह से हमारे कंट्री का मैं बहुत सा, लेकिन अब अगर साउथ अफ्रीका का देखें तो वहाँ पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, हमारे यहाँ अनटचेबिलिटी कास्टिज्म जो है वो मेन प्रॉब्लम थी, वहाँ पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो ज़्यादा प्रॉब्लम थी. तो अकॉर्डिंग टू देयर कंट्री, एवरी कंट्री प्रिपेयर देयर
constitution. Why do we need a constitution? अब सेकंड जो है कि ये क्वेश्चन भी आपने पहले भी आप पढ़ चुके हो, पर अगर ये आता है कि why do we need a constitution, तो इसमें आप ये सारे पॉइंट जो है वो डिस्कस करोगे. क्या? इट प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स फॉर द कोऑर्डिनेशन अमंग द मेंबर ऑफ सोसाइटी. ये क्या करता है कि हमें बेसिक रूल जो है वो प्रोवाइड करता है, जिससे क्या होता है कि जो सोसाइटी के मेंबर्स है, एवरी मेंबर जो है वो सोसाइटी का, वो क्या करता है, उन रूल्स को फॉलो करता है. जैसे कि बेटे अभी हमने देखा कि राम मंदिर पे हमारा जो डिसीज़न आया, तो हमारे एवरी सिटीज़न ने, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के थे, क्यों, क्योंकि वो रूल हमारी जुडिशरी ने, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने उसमें ये जजमेंट दिया, जिसकी वजह से हम उसको फॉलो करते हैं. और इसमें इससे क्या होता है कि डिस्प्यूट नहीं हुआ, कोई कन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, ठीक है, जो डिसीज़न आया वो सबके लिए सब उसको एग्री करते हैं. इट स्पेसिफाइज हु हैज़ द पावर टू मेक डिसीज़न इन सोसाइटी. ये स्पेसिफाई करता है कि इस चीज़ पर, मतलब लेजिस्लेचर लॉ बनाएगा, एग्जीक्यूटिव उन्हें इम्प्लीमेंटेशन करेगा, एंड जुडिशरी के कितने डिपार्टमेंट होंगे, कितने पार्ट में वो डिवाइड होगी, और उसके क्या क्या वर्क होंगे, ठीक है. इलेक्शन कमीशन का क्या वर्क होगा, मीडिया क्या रोल प्ले करेगा, सिटीजन्स के क्या राइट होंगे, ये सब जो पावर्स हैं स्पेसिफाई जो करता है, वो कौन करता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन करता है. और कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट सम लिमिट ऑन इट्स पावर ऑफ गवर्नमेंट एंड कैन इम्पोज ऑन इट्स सिटीजन एंड गवर्नमेंट मे नेवर वायलेट देम. सिटीजन्स को वो जो राइट देता है, उसको कोई भी गवर्नमेंट जो है उनको वायलेशन उनका नहीं कर सकती, ठीक है. अ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट गवर्नमेंट टू फुलफिल द एस्पिरेशंस ऑफ सोसाइटी एंड क्रिएट कंडीशन फॉर जस्ट सोसाइटी. कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट के लिए वो प्लेटफॉर्म तैयार करता है, जिससे कि जो सोसाइटी की एस्पिरेशंस को पूरा कर सके और एक अच्छी सोसाइटी को जो है डेवलप कर सके. इट आल्सो कंट्रीब्यूट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री. इससे क्या होता है, हमारे जो कंट्री होता है उसके भी डेवलपमेंट में होता है. बेटा ये कॉन्स्टिट्यूशन आप देखोगे कहाँ से स्टार्ट हुआ, फ्रांस से स्टार्ट हुआ था. 9th क्लास के अंदर हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा था. 1791 में फ्रेंच पीपल्स ने फर्स्ट टाइम जो है अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप किया था. उसने जो वहाँ के थिंकर्स और फिलोसफर्स थे, है ना, मेंटेस्क्यू, जॉन लॉक, है ना, रूसियो, तो इन्होंने सब ने क्या करा था कि इन्होंने कहा था कि सोसाइटी में सब इक्वल है और पावर शुड बी डिवाइड और कुछ राइट जो है वो मिलने चाहिए, तो ये सब होना चाहिए, ठीक है. सो ये फर्स्ट टाइम वहाँ पर हुआ. उन्होंने कहा कि मोनार्क जो पहले अपने को डिवाइन राइट की पॉलिसी को फॉलो करते थे, इट मींस कि वो कहते थे कि हमें भगवान ने तुम्हारे ऊपर रूल करने के लिए भेजा है, तो उन्होंने इस चीज़ को मतलब डिनाई किया. डिवाइन राइट की जो थ्योरी थी उसको इन्होंने, फिलोसफर्स थिंकर्स ने डिवाइड किया. उन्होंने कहा कि नहीं, सब इक्वल है और सिटी जो राजा, जो किंग होता है उसका वर्क, मोनार्क जो होता है उसका वर्क क्या होता है, अच्छी सोसाइटी, एक अच्छी एनवायरनमेंट जो है अपनी सोसाइटी को प्रोवाइड करना. सो फर्स्ट टाइम उन्होंने कहा कि इक्वली पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ठीक है. स्टार्टिंग में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं हुई थी वहाँ पर, बट उसके बाद क्या हुआ था वहाँ पर जो है, एक फिर धीरे धीरे वहाँ पर, मतलब पहले जो है उनसे कुछ राइट जो है, जो अनलिमिटेड पावर्स थी मोनार्की की, वो उनसे ली गई. और फिर धीरे धीरे ये यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर, एंड आफ्टर इंडिपेंडेंट इन 20th सेंचुरी, जो भी कंट्रीज इंडिपेंडेंट होते गए उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप किया, ठीक है.
स्टार्टिंग में आप कोई भी काम करते हो, आप कोई प्रोजेक्ट फाइल बनाते हो, वो उतनी अच्छी नहीं बनती है। फिर धीरे धीरे आप नेक्स्ट क्लासेस में जाते जाते हो, जो पहले की आपकी कमियां होती हैं उनको आप दूर करते हुए क्या होता है कि 11 12 तक आके आप बहुत अच्छी फाइल जो है अपनी प्रोजेक्ट फाइल है वो डेवलपमेंट कर लेते हैं। तो ये क्या है, ये इसी तरह से जो हमने 1791 से फ्रांस ने कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद दूसरे कंट्रीज ने अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको डेवलप किया, फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जो भी कंट्री थे वो सक्सेस हुए या नहीं हुए, ये डिपेंड करता था कि वो उन्होंने कैसा कॉन्स्टिट्यूशन रेडी किया। बट क्या है कि जिन्होंने भी डेमोक्रेसी अडॉप्ट की, क्योंकि डेमोक्रेसी की सोल होता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, इससे क्या होता है सबको राइट मिलते हैं, इससे कंफ्लिक्ट नहीं होते तो डेवलपमेंट होता है। ठीक है, हाउ वॉज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड, नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड बाई द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच हैज़ बीन इलेक्टेड फॉर द अनडिवाइडेड इंडिया। इंडिया में देखो बच्चों, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऐसे तो नहीं है कि कोई भी आया और उनमें आके बैठ गए और उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिख डाला, ऐसा नहीं था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हमारे बहुत लर्नेड पीपल थे, those who are very learned and they see all over the world what are the changes and what are the problem faced by the whole world in a 19th century and taking these things in their mind they prepared our constitution and they are very much aware because India is a diverse country and there are so many diversities geographically, culturally and the languages. So all the things are in their mind and they prepared a constituent. So constituent made by a constituent assembly which has been elected for the undivided India. ये भी बेटे जो constituent assembly के member थे वो भी अनडिवाइडेड इंडिया, इट मीन बिफोर इंडिपेंडेंट जो है बनाए गए, इलेक्ट किए गए। ये यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज के अकॉर्डिंग नहीं थे, बट इसमें रिप्रेजेंटेशन देने का पूरा प्रयास किया गया था, एफर्ट्स किए गए थे कि सबको रिप्रेजेंटेशन का वो मिले। देखो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अनडिवाइड, क्योंकि बेटा ब्रिटिशर्स जो थे, जब भी जो भी हमारे मूवमेंट चले क्विट इंडिया मूवमेंट, तो उन्होंने कहा कि यू आर नॉट एबल, इंडियंस आर नॉट एबल टू गवर्न देमसेल्फ, तो उन्होंने एक टारगेट दिया कि आप अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर दिखाइए जिससे हमें बिलीव हो कि हाँ यू आर एबल टू एडमिनिस्ट्रेट योरसेल्फ। सो इसके लिए क्या हुआ कि अनडिवाइडेड इंडिया में कुछ मेंबर्स जो हैं, सम मेंबर्स आर इलेक्टेड। इट हेल्ड इट फर्स्ट मीटिंग इन 9 दिसंबर इन 1946। अनडिवाइडेड मतलब पहले तो सारे पाकिस्तान तक के जो भी हमारा पार्ट था सब एक थे हम, और उसके भी मेंबर जो हमारी फर्स्ट मीटिंग हुई थी वो कब हुई थी, 9th दिसंबर 1946। तो ये आपको याद रखनी है, ठीक है। And reassembled as the Constituent Assembly for Divide India in 4th August 1947। और फिर जब ये decision हुआ, partition हो गया India का, तो जो दोबारा से assemble हुए Indians वो कब हुए, 14th August 1947। It means just उस दिन जिस दिन हमारा जो है country divide हुआ। Its member were chosen by the indirect election by the members of provision legislature assembly that has been established under the government of India Act, Indian Act 1935। इसमें बेटे ये वाली स्टेट तो थी नहीं, प्रोविजन स्टेट थी जो ब्रिटिशर्स ने डिवाइड की हुई थी, है ना, तो उसमें से हम लोगों ने इनडायरेक्ट
इलेक्शन के थ्रू इन मेंबर्स को हमने इलेक्ट किया, जिसको क्या ये आता है अंडर द एक्ट ऑफ 1935। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज कंपोज बाई द प्लान पर्पस ऑफ कमेटी ब्रिटिश कैबिनेट नोन एज द कैबिनेट मिशन प्लान। इस जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इसको कंपोज किया था किस पर्पस से, ब्रिटिशर्स ने कि कॉन्स्टिट्यूशन रेडी करना है, इसको किस नाम से जाना गया, कैबिनेट मिशन प्लान के नाम से इसको हम जानते हैं। ठीक है, तो ये आपने देखा। अब इसमें नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू दिस प्लान, तो ये क्या था, है ना, कैबिनेट मिशन प्लान क्या था, ईच प्रोविजन एंड ईच प्रिंसली स्टेट वर अलॉटेड सीट प्रोपोर्शनल एंड द पॉपुलेशन रफली इन अ रेशियो ऑफ 110। ठीक है, इसमें क्या करा गया था कि हर प्रिंसली स्टेट दो तरह से थी बेटा, जो ब्रिटिशर्स के अंडर में आते थे, मतलब पूरा कंट्री ही स्लेव था ब्रिटिशर्स का, बट कुछ डायरेक्टली ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थे और कुछ प्रिंसली स्टेट थी इंडिया की जो कि ब्रिटिशर्स को टैक्सेस देती थी और उनकी उनके अंडर में वो वर्क करती थी। तो प्रिंसली, जिन राजाओं ने उनकी गुलामी को मान लिया था, है ना, तो वो उनके थ्रू राज करते थे, मतलब था तो टोटल इंडिया ही जो है वो उनका गुलाम था। तो कुछ प्रिंसली स्टेट थी और कुछ डायरेक्ट जिन पे वो रूल करते थे, जैसे बंगाल, मद्रास, है ना, और बॉम्बे, ये सब थे। तो क्या था बेटा इसमें, वाइल एज द रिजल्ट द प्रोविजन दैट वर अंडर द डायरेक्ट ब्रिटिश रूल वर इलेक्ट 292 मेंबर्स वाइल द प्रिंसली स्टेट वर एलोटेड अ मिनिमम ऑफ 93 सीट्स। जो डायरेक्ट थी उसमें कितने मेंबर थे, 292, और जो प्रिंसली स्टेट थी उसमें 92 मेंबर्स इलेक्ट किए गए थे। तो टोटल कितने हो गए, टोटल मेंबर्स कितने हो गए, 292 एंड 93। थ्री 85 मेंबर्स हो गई है। ठीक है, द सीट्स इन ईच प्रोविजन वर डिस्ट्रीब्यूट अमंग देयर मेन कम्युनिटीज मुस्लिम, सिख एंड जर्नल्स। इसमें जो सीट डिवाइड की गई थी वो पर्टिकुलर थ्री कम्युनिटीज जो उस टाइम थी, कौन कौन सी, सिख, मुस्लिम एंड जर्नल्स, हिंदू, तो उनके अकॉर्डिंग ही उनको इलेक्ट करना था। ठीक है, ये देखो फिर से डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो है ब्रिटिशर्स जो है वो अडॉप्ट कर रहे थे। ठीक है, जैसे तो वहाँ पर क्या था कि जिस एरिया में जो कंट्री मेजॉरिटी में है उसी को उन्हें फॉलो करना था। ठीक है, जैसे कि सिख एरिया में सिख ही कैंडिडेट खड़ा हो सकता था, मुस्लिम एरिया में मुस्लिम ही, तो इस तरह से वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो है वो अडॉप्ट कर रहे थे। वो मेंबर सिर्फ अपने ही मेंबर को वोटिंग कर सकते थे। ठीक है, मेंबर्स ऑफ ईच कम्युनिटी इन प्रोविजंस लेजिस्लेचर असेंबली इलेक्टेड देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव्स बाय द मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफर वोट। इसमें क्या था, हर मेंबर अपनी कम्युनिटी के मेंबर को ही वोट दे सकता था, जो कि एक वोट था, एवरी पर्सन हैज़ अ ओन वोट, और वो सिर्फ अपनी ही कम्युनिटी और अपने ही मेंबर को वो वोट दे सकता था। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स वर बी नॉमिनेट बाय द हेड्स ऑफ प्रिंसली स्टेट। ये तो था आपका प्रोविजन स्टेट्स में,
और जो प्रिंसली स्टेट थी उसमें क्या था कि वहाँ का जो हेड थे मतलब राजा थे वो अपने जो मेंबर्स थे उन्हें नॉमिनेट करते थे। जो मेंबर था उसे नॉमिनेट कर दिया वहाँ के हेड ने। अब आपने अगर वो सिख है, अगर वो मुस्लिम है, अगर वो जर्नल है तो सिर्फ जर्नल उसे वोट करेंगे, मुस्लिम है तो मुस्लिम उसको वोट करेगा, और वन पर्सन एक पर्सन को एक ही मेंबर को वोट करने का इसमें राइट दिया गया था। ठीक है, तो ये आप देखोगे। फिर है कॉम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब वो किस तरह से बनी, पार्टीशन अंडर द माउंटबेटन प्लान इन 3 जून 1947। ठीक है, जो हम हुए हैं 47 अगस्त में इंडिपेंडेंट, तो जून में जो माउंटबेटन थी वो हमारे पार्टीशन का प्लान लेकर आई। ठीक है, 3 जून को माउंटबेटन वर्ष रहे थी इस टाइम की। ठीक है, हु वर इलेक्टेड फ्रॉम द टेरिटरी अंडर द पाकिस्तान वर नॉट द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो अभी हमने बताया था कि जो मेंबर इलेक्ट हुए थे पहले वो अनडिवाइडेड इंडिया में हुए थे, बट अब जो मेंबर्स पाकिस्तान के पार्ट में चले गए थे उनको उसमें से हटा दिया गया। ठीक है, अब ये और समझ लीजिए आप लोग सब। द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज 389। ठीक है, 389 थी टोटल इसकी जो थी, 93 प्रिंसली स्टेट, 296 ब्रिटिश स्टेट्स। ठीक है, प्रोविजन स्टेट जिसे कहते हैं। ठीक है, तो ये जो पहले थी वो कितने थे, 389, बट नाउ 299 रिमेन इन इंडिया। अब उसमें से सिर्फ 299, तो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर थे, अगर ये क्वेश्चन आता है हाउ मैनी मेंबर्स इन अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो आपके आएंगे 299। 229 वर ब्रिटिश प्रोविजन स्टेट्स एंड द 70 वर द प्रिंसली स्टेट। अब जो है वो घर घर आपका जो टू टोटल रह गई, जिसमें से ब्रिटिश प्रोविजन जो थे वो इतनी थी, 229 एंड 70, तो ये आपके टोटल मेंबर्स जो थे वो रह गए। देख गए, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949, कंटेंट इन द प्रियम्बल 390 आर्टिकल्स एंड 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल। टूडे इट हैज़ अ 4460 शेड्यूल, सॉरी आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स एंड द 12 शेड्यूल। तो जब हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था, मतलब तैयार हो गया था हमारा 26 नवंबर 1949 को, बट हमने इसको कब अडॉप्ट किया, 26 जनवरी 1950 को, जिसमें स्टार्टिंग में हमारे कितने थे, ये भी आपके सब एग्ज़ाम से रिलेटेड जो है क्वेश्चन होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी ये बहुत आते हैं। स्टार्टिंग में हमारे थे 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल, बट आज की डेट में हमारे पास 460 के आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट्स हैं एंड द 12 शेड्यूल है। मतलब इतना जो है डेवलप हो गया है, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, वो बढ़ रहा है एक लिविंग थिंग की तरह। ठीक है, करेंटली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ अ प्रीम्बल 46 एंड आर्टिकल एंड 20, मैंने बता दिया। कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स इन 26 जनवरी 1950, ये कब आया उसमें फोर्स में, 1950 में। इट टुक 2 years 11 months and 18 days, इसने इसको पूरा रेडी होने में 2 साल 11 महीने 18 दिन जो इसका टाइम लगा। फर्स्ट टेम्प्ररी प्रेसिडेंट और कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वाज सच्चिदानंद सिन्हा। पहले जो टेम्प्ररी वो थे इसके, वो कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा, एंड बाद में जो परमानेंट इसके जो प्रेसिडेंट हुए वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के क्या थे, प्रेसिडेंट। ठीक है बेटू, अगर इसमें बच्चे मोस्टली B.R. अम्बेडकर लिखते हैं जो गलत है, प्रेसिडेंट जो थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। टेम्परेरी प्रेसिडेंट जो स्टार्टिंग में बने वो कौन थे, सच्चिदानंद नंदा। नाउ प्रेसिडेंट ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी वॉज डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। इंडिया के जो ड्राफ्टिंग कमेटी के
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो प्रेसिडेंट थे वो थे बी आर अम्बेडकर, फादर ऑफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन्हें इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के फादर भी कहा जाता है। ओके, सो नाउ वी कंप्लीट अवर दिस टॉपिक एंड रिमेन चैप्टर वी विल डिस्कस इन अ नेक्स्ट पीरियड। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स, प्लीज प्रिपेयर योर नोट्स अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्लेनेशन। हैव अ नाइस डे।